अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब आप अच्छे से होंगे। मैं नाश्ता कर रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितनी अमेजिंग वीडियो देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? तो चलिए, सुबह हो चुकी है, हमारा नाश्ता हो रहा है। हम नाश्ता कर रहे थे, पर मेरे बेटे को बड़ा शौक है इंट्रोड्यूस करने का खुद को, तो बस नाश्ता कर रहे हैं। आज देखते हैं, अभी तो सुबह हुई है। आज दरगाह जाने वाले हैं हम लोग। आज नहीं, कल जाएंगे। कल दरगाह जाएंगे हम लोग। तो गाइस आप भी देख लेना, करे बायफी नहीं रहेगी, घुमा के हम लोग सीधा नहीं नहीं कल चलेंगे। तो चलिए हम नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। तो हाय गाइस, हमारा पूरा काम हो चुका है, हमने नाश्ता कर लिया है। अब ये दोनों शैतान जा रहे हैं नहाने के लिए। ये हमारी मैडम सो कर उठ चुकी है, हमारा नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में वापस से। तो ये पूरा मैंने सफाई फाई कर ली। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन। हाँ वो ऐसे ही वो गिरता ना सब। ये चिकन बनाऊंगी पतला, जैसे पतला रस्ते में बनाते हैं ना चिकन, वैसे बनाऊंगी। तो चलिए मसाला रेडी करते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला हो गया रेडी। मैंने खाली प्याज लिया, टमाटर, धनिया, ज़ीरा, दो मिर्ची और तीन चार कश्मीरी मिर्ची है। आप तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा डालिएगा, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती, इसीलिए ना मैं ना मेरे बच्चे हम कोई नहीं खाते हैं तीखा, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है। तेल मैंने गरम करने रख दिया है, ताकि मैं फटाफट इसको करके लूँ। आज एक्चुअली मुझको लेट हो गया, मैंने घर की सफाई करनी थी, और आज हमारी संगीता मैडम आ रही है कपड़े धोने, तो मैंने कपड़े भी भिगा दिए। पर अचानक मैं कपड़े तो भिगा दी, पानी चले गया। अब क्या, आप देखते हैं जैसे होता है वैसे। एक नल में आ रहा है, वो कपड़े धो लेगी आकर उतने में। आज सुबह से मेरा नेट भी नहीं चल रहा है, अल्लाह खैर करे। सुबह से ना नेट ना कुछ। आज मेरे फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, 3 महीने का पैक था, 3 महीना हो गया। सब बोलते ना होना जो होता है ना, वो एकदम अचानक जो होता है ना, अचानक में भयानक वैसा। आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, मेरा नेट बंद हो गया, अल्लाह बचाए। या मेरा नेट नहीं चल रहा, या पानी नहीं आ रहा मुझे, देखो इतने टेंशन में भी देखो मुझे। खैर चलो, टेंशन तो होता ही है, ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए ये सब मैं फटाफट भून कर लेती हूँ। भूनना मतलब इसको अच्छा ब्राउन करके लेना है, एकदम आज नॉर्मल नहीं, प्याज को अच्छा नॉर्मल मतलब ब्राउन करना है। तो मैं इसको फटाफट भून के लेती हूँ। तो चलिए देखिए मेरा मसाला हो चुका है, देखिए। तो ये हो गया, अभी मैं इसको पीस कर लेती हूँ। हाँ मैंने अदरक लहसुन इसमें नहीं डाला है, क्योंकि अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ है। मैं इसको भूनते वक्त जब हम दोबारा मसाला भूनेंगे तब मैं अदरक लहसुन डालूंगी। गरम गरम मत पीसना, वरना मसाला पूरा बाहर और आपके चेहरे पे लाल लाल, क्योंकि गलती मैंने कर चुकी हूँ एक बार। तो चलिए फटाफट मसाला पीसते हैं। तो चलिए मैंने मसाला पीस लिया है, अब देख सकते हैं मैंने तेल गरम करने रख दिया था, और मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पकता है, गैस बचता है और 2 सीटी में हो जाता है। वो डेगची में चढ़ा, और मैंने एक्चुअली आलू भी डाला है इसमें, आलू मेरे बच्चे खाते हैं इसीलिए।
हाँ मैं पूरा मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि मुझको पतला बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रख लूँ। अदरक लहसुन थोड़ा सा, अदरक लहसुन टेक्सचर देखिए। अब हमें इसको इतना ही भूनना था कि अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए, रॉ स्मेल। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी, मसाला उड़ रहा है। मिर्ची की बुक्की तीखी वाली नहीं डालूंगी मैं क्योंकि उसके बदले मैं कुछ और डालने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैं एकदम थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, मेरा स्पून देख सकते हैं बहुत छोटा है, देखिए एकदम छोटा सा है। सॉल्ट, बिस्मिल्लाह, एक डेढ़ चम्मच मैंने नमक डाला है। मैं ये डालूंगी, आपको कह रही थी आप देख सकते हैं, हैंडमेड है, हैंडमेड चिकन मसाला। ये मैं एक चम्मच भी नहीं, इसका आधा चम्मच डालूंगी। और ये बहुत अच्छा है, ये देखिए ऐसे पैकेट में आता है ये, सॉरी, हैंडमेड चिकन मसाला, और ये इतने बड़े पैकेट्स में आता है। ये बहुत स्पाइसी होता है इसीलिए आप ज़्यादा मत डालिएगा। देख सकते हैं मैंने कितना लिया है, बस बहुत है यही। मैं इसको स्लो पे भूनती हूँ, 5 मिनट कम से कम मैं इसको स्लो पे भूनूंगी ऐसे ही, क्योंकि अदरक लहसुन मैंने बोला था कि मैंने घर में पीसा है, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कि जितने मसाले में ना आएंगे बट अदरक लहसुन में बहुत स्मेल आती है। स्मेल मतलब खुशबू बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग खुशबू है उसकी बहुत, इसीलिए उसको कम से कम 5 मिनट तो लगेगा तब इसको भूनते हैं। मैंने चावल ऑलरेडी चढ़ा दिया था, चावल मेरा पक गया है, मैंने इसको दम पे रखा है, तो चलिए जब तक इसको पकने देते हैं। तो चलिए देखते हैं मसाला भूना यानी, ओ अल्हम्दुलिल्लाह भून चुका है। ये देखिए आप, मसाला तेल ऊपर आ गया है, देखिए तेल अच्छा ऊपर आ चुका है। पहले आलू डाल के एक सीटी लगाऊंगी, फिर चिकन, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, एक सीटी में चिकन गल जाएगा। साथ में डालूंगी तो आलू नहीं गलेगा पर चिकन गल जाएगा। फास्ट में एक सीटी लगाऊंगी। तो चलिए सीटी हो गई है, एक के बदले 2 सीटी लग गई, ठीक है। वैसे भी आलू के पीसेस बड़े बड़े थे, चलो ठीक है, नॉर्मल ही है, देख सकते हैं आप। तो बस अब डालते हैं फटाफट चिकन, ठीक है रखो मैं देती हूँ। ये मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है,
अब मैं एक सीटी पहले ऐसे ही लगाऊंगी क्योंकि चिकन से पानी छूटता है। उसके बाद जितना मुझको पानी ऐड करना है मैं उतना पानी ऐड करूंगी। ओके, तो इसको मैं फास्ट में एक सीटी लगा के फिर पानी ऐड करूंगी, उसके बाद स्लो पे एक सीटी, उसके बाद बंद। तो चलिए देखते हैं, मैंने कुकर का हवा निकाल लिया है। ओके, तो देखिए मैंने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आपको अगर कम चाहिए तो आप कम में भी बना सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को दोपहर में चावल के साथ पतला चिकन का जैसे रस्सा होता है वैसा अच्छा लगता है। तो ये मैंने कोद में डाल दिया। कोद में के बगैर तो कोई भी सालन हो या दाल हो कुछ भी टेस्ट नहीं आता। अब मैं इसको एक सीटी स्लो पर लगाऊंगी और ऐसे ही बंद कर दूंगी। और अब बच्चों को ज़रा नहला कर लेती हूँ, बच्चों को नहला कर फिर खाना खिलाती हूँ। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो देखिए सालन मेरा पक चुका है। ये मैं पापड़ तलने के लिए कढ़ाई लगाई हूँ और ये मेरा चावल है जो मैंने पका लिया है। मायशा के पापा बस दुकान से निकले, वो भी आ रहे हैं, तो मैं भी जब तक फटाफट पापड़ तल के लेती हूँ। चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जब तक ये हो जावे, भैया खा लिए, पापा खा लिए, तू अकेले बचा है अभी का? वो जितना है पहले वो क्लीन कर। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है फुल, यहाँ तक खाना खा लिया है। इसके पापा दुकान से आए, खाना ना खा के फटाफट भाग गए। खा लिए बटला, अभी तक बैठ के खाना खा रहा था, बस अभी उठा है। अब हमने खाना खा लिया है, अब हम थोड़े देर सुकून से सोएंगे, फिर आपसे मिलेंगे शाम को। शाम को भी एक्चुअली मैंने वो खाली दोपहर के लिए खाना बनाया था और रात में मैं खाना नहीं, मतलब कुछ हल्का सा बनाएंगे। जैसा अभी हमारा चल रहा है नॉर्मल पाव भाजी, चिकन सैंडविचेस, ऐसा कुछ। तो देखते हैं सोकर उठने के बाद जो मन करेगा वो दोनों में से एक या तो दोनों शाम को बनाऊंगी, बट फिलहाल हम थोड़ा सा सोकर उठते हैं। चले कबीर शाह भी देखिए, ये मेरे घर वाले देखो, ये हमारे घर के नौटंकी बाज को देखो, इसको देखो, हैरी पॉटर ये। तो अब हम लोग सुकून से सोने वाले हैं, राइट? नहीं, राइट नहीं, हम लोग नहीं सोएंगे क्योंकि हम लोग थक चुके हैं। तो हम लोग नहीं सोएंगे, हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे। तो यस, अब हम लोग थोड़ी देर सोएंगे, उसके बाद हम उठ के आपसे शाम को बात करेंगे। शेरी मुझे पकड़ना। तो हाँ एक्चुअली शाम को बात करते हैं आपसे। तो ये देखिए पापड़ बचा हुआ, पापड़ खा लेना राजू। ये देखिए हमारी मट्टों को, पापड़ खा ले बेटा, पापड़ खा ले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को। ये देखिए हमारे दोनों, इसको देखो, इसको देखिए, इसको बटले को। हाय हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम लोग सोकर उठ चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया बट फिर भी हम लोग उठ गए। बाहर का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना मस्त है ना शाम का वेदर, ये देखिए शाम हो चुकी है। और बस अब ये देखिए, मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी पाव भाजी, तो ये मेरा बेटा मटर छील रहा है बैठकर। ये मटर छील रहा है, मुझको किचन की साफ़ सफाई भी करनी थी। और पाव भाजी बनाऊंगी मैं, बट मैं मशरूम पाव भाजी बना रही एक्चुअली।
ये मेरे हस्बैंड दोपहर में जब खाना खाने आए थे तो मशरूम लेकर आए थे, तो मैं मतलब नॉर्मल एकदम प्योर पाव भाजी वाला नहीं, नॉर्मल जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं वैसा मैंने पूरा वेजिटेबल्स को बॉईल करने रख दिया, कैरेट, फिर कॉलीफ्लावर, वटाना, बटाटा, जितने वेजिटेबल्स थे मैंने सब बॉईल करने के लिए रख दिया। मशरूम मैंने काट कर धो के साफ़ कर लिया है। और मैं सैंडविच भी बनाऊँगी, चिकन सैंडविच। उसके लिए मैंने देखिए बटर में चिकन, पनीर और कॉर्न है जो मैंने पहले बॉईल कर लिया था चिकन को। अब मैं उसको खाली बटर और ब्लैक पेपर डालकर थोड़ा सा सॉटे कर ली हूँ। और वेज में मैंने लिया है कैप्सिकम, टमाटर और प्याज, वही सिंपल जैसे हम बनाते हैं घर में सैंडविच वैसे ही बनाऊँगी। और ये पाव भाजी के लिए कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटो, और वही अपना पाव भाजी मसाला, सुहाना का पाव भाजी मसाला। तो ये जब तक होता है हो गया, मैं थोड़ा चाय बनाती हूँ। जब तक ये मैंने सॉटे कर लिया है, ये मैंने बॉईल करने रख दिया। एक्चुअली बहुत फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा काम भी है, तो ये सब फटाफट करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है चिकन बटर, ये चिकन कॉर्न और पनीर को जो मैंने बटर में सॉटे किया था उसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाला था और कुछ नहीं। और अभी मैंने इसमें मेयोनीज डाला है और ये अमेरिकन यूएस मस्टर्ड डाला है और ये ओरिगैनो और ये पिज़्ज़ा मिक्स, यही मिक्स हर्ब, ये मैंने दोनों भी इसमें मिला दिया है। सॉल्ट मैंने बहुत ज़रा सा डाला है क्योंकि इन सब में सॉल्ट होता है, मस्टर्ड सॉस में भी सॉल्ट होता है और मेयोनीज ऑलरेडी सॉल्टेड होता ही है। सेकेंड मैं इसमें चीज़ मिलाऊंगी, अभी नहीं जब बनाते वक्त तो उसमें भी चीज़ में भी थोड़ा बहुत चीज़ भी सॉल्टेड होता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बॉईल हो चुकी है, ये गैस मैं बंद करती हूँ, अभी मैं सब रेडी करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए चाय पी लिया हम लोगों ने, हो गया, अब ज़रा फटाफट बना के लेती हूँ। साढ़े आठ हो रहा है, साढ़े आठ हो रहा है, 9:30 बजे दुकान बंद करते हैं, आते आते 10 बजता है। मुझको एक से एक रिवे और 2-3 चीज़ें बनानी है, काम बहुत है यार। थोड़ा ऑयल, थोड़ा बटर, बटर थोड़ा सा अपना देसी स्टाइल में बनाएंगे पाव भाजी का भाजी, थोड़ा सा जीरा, प्याज, प्याज डाल के थोड़ा हल्का सा भून के लेते हैं। हल्का सा सॉफ्ट हुआ, मैं अदरक लहसुन इसमें थोड़ा कम डालूंगी, बहुत ज़रा से ज़्यादा भी नहीं।
नमक तो चलिए इसके साथ साथ मशरूम भी डाल देते हैं। हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर अब इसको एक 2-3 मिनट स्लो पर भूनती हूँ। अदरक क्या है अदरक लहसुन की स्मेल आती है इसलिए स्लो पे 2-3 मिनट ज़रा भूनेंगे ना तो अच्छा लगता है। दो या 3 मिनट इसको स्लो पे भूनते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या है। हाँ अदरक लहसुन की स्मेल गई तो ये देखिए मैंने सब्जियों को ना बॉईल करके मैश कर लिया था। सब्जी मसाला मैं भी डालूंगी इसमें पर मैं अपने हिसाब से डालूंगी मुझको अंदाज़ा है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चम्मच से डालिएगा 1 या 1.5 चम्मच बहुत है। पैकेट बहुत छोटा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आपको पतला चाहिए या एकदम थिक रखना है वो आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी इसको कुकर में थोड़ा सा वेज था वही पानी डालूंगी मैं। ये मैंने फास्ट कर दिया गैस। किसी किसी को ना एकदम मैश पाव भाजी अच्छा लगता है और कोई कोई थोड़ा सा ऐसा कि मतलब वेजिटेबल्स मुंह में आए ना तो अच्छा लगता है। तो ये भी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी तो ये जितना पतला दिख रहा है ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैं पकाऊंगी एकदम नॉर्मल जैसे हम पाव भाजी एग्जैक्टली खाते हैं वैसा टेक्सचर में आ जाएगा। इसको फास्ट में फटाफट पकाते हैं तो देखिए फास्ट करके पका रही हूँ मैं। है ना मायशा तू भी पकाएगी पकाती मम्मू तू भी। मैंने इसका नमक एक्चुअली अभी तक देखा नहीं कितना है कम या ज़्यादा एक बार चेक कर लूँ क्योंकि थोड़ा मेरा अंदाज़ा है कि कम होगा। नमक थोड़ा कम है क्योंकि ये सूखेगा अभी और मैंने आधा नींबू रखा था वो भी इसी में डालूंगी और नींबू में बाद में जब खाते वक्त और डाल देंगे ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो चलिए अभी इसको एक
दो मिनट में इसको स्लो पे पकाऊंगी। मैं इसमें बटर डालती हूँ और इसको दो मिनट है ना छोड़ देती हूँ ऐसी। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बटर डाला था, अभी और डाल रही हूँ। खाते वक्त तो ऑब्वियसली वो तो डालना तो लाजमी है। अभी थोड़ा सा बटर और एक दो मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मतलब पकने देते हैं। देख लीजिए अब टेक्सचर, मैंने पानी डाली थी और अभी आप देखिएगा, ये देखिए टेक्सचर एकदम वेजिटेबल्स भी दिख कर आ रहे हैं, हरा वटाना ये सब देखिए। मशरूम मैंने डाला है, देखिए मशरूम भी है। तो एकदम मैसी मैसी भी नहीं चाहिए, एकदम मैश वाला वो फिर अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स, थोड़ा क्रंची टाइप। तो चलिए इसको स्लो पे दो मिनट छोड़ते हैं। मेरी भाजी भी रेडी हो चुकी है, पाव ये आते वक्त लेकर आएंगे, तो जब ये पाव लेकर आएंगे तब जाकर मेरी पाव भाजी कंप्लीट होगी। बट कोई बात नहीं, आपको तो रेसिपी तो आपको मिली गई झटपट वाली, तो आप भी बना लीजिएगा। ये मैं दो मिनट रखती हूँ, दो मिनट के बाद आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, दो मिनट के बाद जो बटर ऑयल आप जो भी देख आपको दिख रहा है, देखिए ऊपर आ गया है। अब बारी है मेन चीज़ की और वो है ये। इसके बगैर तो मतलब यार सब अधूरा है। मेरे घर में तो एक बार मेरे हस्बैंड अगर कोई चीज़ बनाए ना तो वो एक बार कोदमीर नहीं डालेंगे, बट मैं बगैर कोदमीर के कोई चीज़ नहीं बनाती हूँ। मुझे टेस्ट नहीं आता बगैर कोदमीर के। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी अगर कोई चीज़ बनाए और अगर कोदमीर नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ अधूरा है। एनीवेज मैंने तो डाल दिया, देखिए मेरी पाव भाजी की भाजी रेडी हो चुकी है। देखिए जो मैंने मिक्स करके रखा था वो सैंडविच, और ये मेरे हस्बैंड एक्चुअली पाव लेकर आ रहे रास्ते में, तो मैंने फटाफट बना लिया, गर्म कर दिया हो गया सब। मशरूम पाव भाजी, प्याज ने लेमन, और ये मशरूम फ्राई। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। पाव जब तक आता है तो जब तक हम खा लेंगे, बट एटलीस्ट आप इसे इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए मेरा सैंडविच, चिकन सैंडविच, पाव भाजी और ये मशरूम फ्राई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दुआ में याद रखिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।